बिलासपुर प्रदेश सरकार व राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलेख के निर्देश पर हरकत में पालिका प्रशासन ने पुलिस की मदद से हाईवे पर स्थायी रूप से फैलाई गई अतिक्रमणकारियों की दुकानों को सख्ती से जेसीबी द्वारा हटवाया व चेतावनी भी दी गई। मंगलवार को पालिका के अधिशासी अधिकारी राम नरेंद्र सिंह यादव ने पुलिस बल व पालिका कर्मचारियों के साथ हाईवे पर रामपुर रोड की तरफ निकले, जिससे शिव मंदिर से अभियान की शुरुआत की गई। अतिक्रमणकारियों में हड़कंप सा मच गया व आनन फानन में अतिक्रमणकारी अपनी दुकानें समेटने लगे। बहुत से दुकानों को प्रशासन ने अपने सामने हटवाया और दोबारा से कब्जा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। ज्ञात हो कि क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थायी रूप से कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों में पालिका प्रशासन का खौफ कुछ ही दिन का असर होता है। खौफ खत्म होते ही अपने पुराने टीए पर आ जाते हैं। कब्जाधारी न तो धार्मिक स्थल को छोड़ते हैं और न ही सरकारी भूमि को। ऐसा ही हाल स्टेट बैंक की शाखा के सामने कब्रिस्तान की भूमि है, जहां लोग कब्जा कर अपने कार्य करते हैं। पास में लगने वाला चिकन का टोल, झूठे बर्तन व शराब की बोतलें धार्मिक स्थल के अंदर फेंकते हैं, लेकिन ऐसे कब्जाधारियों के हौसले बुलंदी पर है। उधर नैनीताल हाईवे किनारे खड़े होने वाले वाहन चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें गाड़ी पार्क करने के लिए जगह दी जाए। बीते दिनों को नगर आए राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलेख ने हाईवे पर जाम को लेकर नाराजगी जताई। हाँ, नगर पालिका आज अतिक्रमण अभियान चलाएगी। बालाजी के मंदिर से शुरुआत करके सीएम पोर्टल, जो भी अतिक्रमणकर्ताओं ने जो दुकानें बना रखी हैं या जो सामान बाहर रखा हुआ है दुकान के बाहर, जो ठेले लगे हुए हैं, फल के ठेले लगाए हुए हैं, लोग सबको हटवा के सामान जब्त कार्रवाई करेंगे और जो अतिक्रमण स्थायी बना देंगे वही व्यवस्था करवा देंगे।